Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about the topic interval and absolute values. So basically, intervals होती क्या है, क्या क्या different type की intervals होती हैं, and then we will also talk about the concept of what is absolute value, and we will also do a few questions which will help you in understanding the topic in a better way. All right. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel and share it with the people with whom for whom this video might be relevant. So let us begin today's lecture. And yeah. All right. So today we are going to talk about what is the concept of interval and what are absolute values. So what is going to be my agenda? So, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट आर एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे, एंड वी विल डू अ वन और टू क्वेश्चंस एज वेल इन दिस वीडियो. ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद टुडेज टॉपिक विच इज इंटरवल्स. सो सबसे पहले तो इंटरवल्स होते क्या है, ठीक है. सो सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, ए एंड बी आर टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि नंबर लाइन क्या होती है. सो ये जो ए एंड बी है, दीज आर टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तब अब हम इंटरवल किसको बोलते हैं, वी कॉल द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स दैट लाई बिटवीन ए एंड बी एन इंटरवल. सो हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, एंड दीज टू आर द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो हम इंटरवल किसको बोलेंगे, ये ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसका अगर हम लोग सेट ले ले तो देन वी कॉल दैट एन इंटरवल, ठीक है. सो लेट्स से आई हैव अ नंबर लाइन हियर, एंड हियर इज ए एंड हियर इज बी. सो दिस इज माई नंबर लाइन, एंड यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है. सो ए से बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उसको मैं एक इंटरवल कहती हूँ. अब इंटरवल जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन, ये सब क्या होता है इसके बारे में एक बारी यू नो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. सो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि लेट्स से ए इज लेस देन बी. सो ये जो नंबर है ए, ये छोटा है बी से. When this is the case, then when this is the case, we can have four different types of intervals. We can have four different types of intervals. अब ये चार different type के intervals क्या-क्या हो सकते हैं, इसको एक बारी देखते हैं. सो जो चार डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स हो सकते हैं, दे आर व्हाट, फर्स्ट ए कॉमा बी, एक तो ये इंटरवल हो सकता है. दूसरा इसको दूसरा क्या हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी. तीसरा क्या हो सकता है, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए एंड देन क्लोज्ड फ्रॉम बी. एंड व्हाट कुड बी द फोर्थ वन, द फोर्थ वन कुड बी इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ए एंड ओपन फ्रॉम बी, ठीक है. अब ये सब का मतलब क्या हुआ, सो जब भी आपके पास इस तरीके का ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर ए है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंटरवल, ठीक है. सो ए से बी के बीच में जितने भी आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे ए उसका पार्ट नहीं होगा. एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस इज लाइक कर्व्ड कर्ली, इट्स अ कर्व्ड ब्रैकेट, राइट. सो जहां पे भी कर्व्ड ब्रैकेट है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है. सो इस टाइप के इंटरवल को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल. सो ऐसा इंटरवल विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, इसको हम लोग ओपन इंटरवल
फ्रॉम ए टू बी, और इसको लिखने का तरीका क्या है? वी राइट दैट कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी नंबर जो इस इंटरवल में है, लेट से दैट नंबर इज एक्स, दिस विल बी बिटवीन बी एंड ए। सो ये ए नंबर और बी नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप ऑफ इंटरवल जो है हमारे पास क्या हो गया, जब भी हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट हो यहाँ पे, ठीक है, जब भी हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट हो, वेन एवर देर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो इंटरवल के अंदर ये जो नंबर ए है और ये जो नंबर बी है ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो इस तरीके के इंटरवल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी एक नंबर होगा जो इस एक इंटरवल का पार्ट है, दैट विल बी सच दैट बी और ए के बीच में वो हो, ठीक है, और ए और बी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज सिर्फ एक साइड कर्व्ड ब्रैकेट है, एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, सो जिस साइड स्क्वायर्ड है उस साइड वाला नंबर इंक्लूडेड है, जिस साइड कर्व्ड है वहां वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ओपन, ठीक है, हाफ ओपन। एंड यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे दे विल बी सच दैट कि बी इंक्लूडेड है और ए इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है हम लोग हाफ क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे होगा, सो दिस वन इज ओपन सो हाफ ओपन, दिस वन इज क्लोज्ड सो दिस इज हाफ क्लोज। सो स्टार्टिंग में जो होगा उसके हिसाब से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके हिसाब से हम नाम रखेंगे, बट दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट जनरली, ठीक है। सो एक्स इज लेस देन बी एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये चार डिफरेंट टाइप के इंटरवल्स जो है हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे इंटरवल्स जो हमने देखे हैं ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कि एक लिमिट लगी हुई है, कि मुझे पता है कि मान लो अगर ए इज वन एंड बी इज टू, तो मुझे पता है कि वैल्यूज जो है वन से लेके टू के बीच के अंदर अंदर ही रहेंगी, तो मुझे वैल्यूज पता है। सो एक लिमिट है उन नंबर्स पे, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि मेरे नंबर्स बाउंडेड हो, मेरे नंबर अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। सो उस तरीके के इंटरवल्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे सो वी से दैट वी कैन हैव अनबाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, सो मान लो मुझे मुझे एक इस तरीके का इंटरवल बताना है जहां पे दो या दो से बड़े नंबर्स हो, ठीक है। सो आई वांट टू राइट ऑल दोज वैल्यूज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। यहाँ पे मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट टू है, बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, इट कैन गो एज ऊपर एज वी वॉन्ट, राइट। सो कोई बाउंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ एज एन इंटरवल फॉर्म दैट टू इज इंक्लूडेड एंड देन सिंस देर इज नो बाउंड सो आई विल राइट इंफिनिटी। इंफिनिटी इज अ इट्स अ नोटेशन कि आपका नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, और इंफिनिटी के साइड में कभी भी एक क्लोज्ड इंटरवल हम लोग नहीं रखते हैं, हमेशा ये ओपन होता है, बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ नोशन, इट्स अ आइडिया, इट्स अ सिंबल, ठीक है। सो इसको हमने इस तरीके से लिखा है। और उसके अलावा मान लो अगर आपको लिखना है कि एक्स इज लेस देन -2, सो -2 या उससे छोटे सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में आप कितना भी आगे जा सकते हो। सो यहाँ पे व्हाट कैन आई राइट, हाउ कैन आई राइट इट, आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो -2 पे आपने एक लिमिट लगा दी है और ये ओपन है, सो यहाँ पे हम लोग एक कर्व्ड ब्रैकेट लिखेंगे, ना कि सो दिस इज देयर एंड देन इसकी वैल्यू नीचे कितनी भी जा सकती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव इन्फिनिटी है और उसका ओपन इंटरवल लगा दिया। नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब नंबर कैन गो एज डाउन एज दे वॉन्ट, लाइक नेगेटिव साइड में, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है नेगेटिव साइड पे, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल राइट अनबाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और कई बार जैसे इसी नोटेशन को अगर हम लोग फॉलो करते रहे
तो जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो अगर रियल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना हो इंटरवल टर्म्स में, तो कई बार हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, रियल नंबर्स हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, दे आर नंबर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, सो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑल राइट, सो दिस इज माय अनदर, दिस इज माय न्यू कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, सो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, एक बार वो समझ में आ गया तो फिर लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, सो मान लेते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर है ए। सो मान लेते हैं ये रियल नंबर है टू। ठीक है, लेट ए बी, लेट ए बी अ रियल नंबर, एंड आप इमेजिन कीजिए कि इसकी पोजीशन क्या है ऑन द नंबर लाइन, एंड इमेजिन इट्स पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक रियल नंबर आ गया हमारे पास, और रियल जो नंबर लाइन है इसमें हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो भी रियल नंबर है इसकी हमने पोजीशन इमेजिन की नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये एक नंबर लाइन है, दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है, ओके, लेट मी रिमूव दिस। दिस इज अ नंबर लाइन, यहाँ पे जीरो है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो है नंबर है ए। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने इमेजिन कर लिया ये नंबर कहाँ पे है। ये जो जीरो और ए है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस। ठीक है, और नंबर लाइन पे जो नंबर है आपका वही आपका डिस्टेंस होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है। राइट, मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है वन, और यहाँ पे क्या लिखा है -1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, वन। मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर वन वुड बी वन। राइट, और अगर मैं -1 से देखना चाहूँ, जीरो से -1 के बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो वन ही है बट मेरा नंबर क्या है, -1। राइट, डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, इफ द नंबर इज पॉजिटिव, तो जो भी आपका नंबर है वो एग्जैक्टली आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपका नंबर नेगेटिव है, जैसे मेरा नंबर अगर -1 होता तो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती, 1। मेरा जो नेगेटिव नंबर है उसको बस मुझे उसका नेगेटिव हटाना है, जो भी होगा वो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ एज अ फंक्शन, ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से लिखूंगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करते हैं, तो ये सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से डिनोट कर सकती हूँ, दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो हमने क्या देखा था कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, जो हमारा नंबर है ए वही एग्जैक्टली हमारी वैल्यू होगी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ए जो है नेगेटिव है, ठीक है, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ माई नंबर। मेरा नंबर है ए, उसका नेगेटिव उसका नेगेटिव क्या होगा, -1। ठीक है, सो दिस विल बी माई एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए, ठीक है। सो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री आपको बतानी है, तो थ्री इज अ पॉजिटिव नंबर, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? थ्री। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो -5 इज अ नेगेटिव नंबर, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा नंबर जो है -5 है, मुझे मेरा जो नंबर है उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट विल आई हैव टू डू, नेगेटिव ऑफ -5, राइट। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसल्ड एंड आई गेट अ नंबर 5, राइट। सो दिस इज माई एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मुझे अगर जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो क्या होगी? सो दैट विल बी वॉट, जीरो, राइट, बिकॉज दिस कंडीशन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है अलग अलग रियल नंबर्स की निकालेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो अब अगर आपसे कोई पूछे, सो लेट से अगर एक क्वेश्चन आता है, सो क्वेश्चन इज हाउ टू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू यूजिंग द डेफिनेशन अबव, तो आप किस तरीके से लिखोगे? आपको एक नंबर दे दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू, इसको आपको अच्छे से एक्सपैंड करके लिखना है इस तरीके से, ठीक है, कि अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें चेक करना है, इस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो मुझे बताना है कि व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू, व्हाट डज इट लुक लाइक, ठीक है। तो अब आप देखो, अब मान लेते हैं एक्स की वैल्यू जो है थ्री है, अगर एक्स की वैल्यू थ्री है, अगर एक्स की वैल्यू थ्री है तो एक्स माइनस टू क्या होता है? एक्स माइनस टू इज वन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन विल बी व्हाट? वन, राइट। एक्स की वैल्यू फाइव है, सो फाइव माइनस टू इज व्हाट? थ्री एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री विल बी व्हाट? थ्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरी एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है, सो टू या टू से बड़ी है, तो ये जो भी नंबर मेरा आएगा एक्स माइनस टू, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो पॉजिटिव नंबर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहती है? जो मेरा नंबर है इटसेल्फ वही रहती है। सो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जब भी मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, तो मेरा ये जो अंदर वाला नंबर है ये पॉजिटिव है, एंड बिकॉज इट इज पॉजिटिव सो मेरी जो वैल्यू होगी इट विल बी एक्स माइनस टू। कोई मुझे इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और जैसे ही मेरे एक्स की वैल्यू टू या टू से टू से छोटी हो जाएगी, सो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू वन हो गई, सो वन माइनस टू इज वॉट? -1। अब -1 तो नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मुझे इसका नेगेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे इसका नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो जीरो माइनस टू इज माइनस टू, तो मुझे -2 का एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसमें भी मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। सो एक्स, सो टू से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वहां पे मुझे ये वाला जो मेरा अंदर नंबर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस टू। अब जब नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस टू अगर मैं लिखना चाहती हूँ, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? -x+2, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 माइनस एक्स, इसका साइन चेंज कर दिया, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। सो मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन का यूज करके मेरा ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, ऑल राइट। सो अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, सो जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए निकालनी, वो क्या होती है कि जीरो से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है वो बताओ, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए क्या होती है? जीरो से लेके -a का जो डिस्टेंस है वो बताओ, ठीक है। सो अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि उनके बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो? सो लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट है x1 एंड x2, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस।
अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस हाउ विल आई डील विद, लाइक हाउ विल आई फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। सो आप डिस्टेंस किस तरीके से निकालोगे, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यू विल सिंपली डू व्हाट, मोर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 - x2, इट विल टेल यू द डिस्टेंस बिटवीन x1 and x2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन x1 and x2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, दिस इज माई नंबर लाइन एंड आई हैव टू नंबर्स, सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो अगर मुझे 3 और -3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, लेट्स से दिस इज माई x1, दिस इज माई x2, ठीक है। आप बिना एब्सोल्यूट वैल्यू के देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये 3 डिस्टेंस है और ये 3 डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 + 3 = 6, राइट। अब मैं इस फॉर्मूले से अगर डिस्टेंस निकालू तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू इज 3 माइनस x2 की वैल्यू -3 और इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 3 + 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, विच इज नथिंग बट 6, सो विच इज नथिंग बट 6, राइट। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज गोइंग टू बी 6। सो हमने क्या किया, x1 - x2 किया और यहाँ पे क्या आ गया, 3 - -3, सो दिस इज नथिंग बट 6, सो 6 इज माई डिस्टेंस। सो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो यू कैन यूज दिस, ऑल राइट। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो आई होप यू लाइक टूडेज लेक्चर ऑन इंटरवल्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। इट्स अ वेरी बेसिक, दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर रिवाइजिंग, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर फॉर यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इनइक्वालिटीज, हाउ टू सॉल्व थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कि अगर हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि फॉर वॉट एक्स वैल्यूज विल दिस इनइक्वालिटी होल्ड। सो वी विल डू क्वेश्चन लाइक दैट। सो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बिकॉज इन एवरी कॉन्सेप्ट ये आप कॉन्सेप्ट बार बार यूज करोगे। ऑल राइट, सो आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो, एंड इफ यू डू डिड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद द यू नो योर फ्रेंड्स एंड पीपल फॉर हुम इट माइट बी रेलिवेंट। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।